हरे कृष्णा। भगवद गीता कोर्स में और इस पाकिस्तानी डिवोटी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भगवद गीता के पहले अध्याय का श्लोक नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15, यानी पांच श्लोक हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या ऊपर आई बटन पर भी है, उन सभी वीडियोज़ को अवश्य देखिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। श्लोक नंबर 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसका अर्थ है, अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को कह रहे हैं कि आप सभी अपनी अपनी पोजीशन पर, अपनी अपनी जगह पर खड़े रहकर पितामह भीष्म को पूरी पूरी तरह सहायता दीजिए ताकि उन पर कोई अटैक ना कर पाए, क्योंकि उन पूरी सेना में, दुर्योधन की पूरी सेना में एक व्यक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, वो थे पितामह भीष्म। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। बाकी जितने भी राजा थे, युद्ध करने के लिए आए थे, जितने भी सेना थी, वो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा मारी जा सकती थी। केवल ये व्यक्ति ऐसे थे, भीष्म पितामह, जो इसको कोई भी नहीं मार सकता था। यानी कि पांडवों की सेना में भी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, चाहे जितना भी प्रयास कर किया जाए, जितना भी अस्त्र शस्त्र उस पर चलाया जाए, व्यक्ति वो नहीं मर सकता था। इसीलिए पितामह भीष्म उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। इसीलिए अपने गुरु को और सभी को कह रहा है के पितामह भीष्म की आप पूरी पूरी रक्षा करें। श्लोक नंबर 12, पहले अध्याय का। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्यौचैः शंखं दग्मो प्रतापवान। इसका अर्थ है, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब देखिए कि इतनी वार्तालाप चलने के बाद जब पितामह भीष्म ने देखा कि दोनों ओर से युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी है, अभी हमें चाहिए कि हम जो युद्ध की अभी घोषणा करें, तो उस समय ये नियम हुआ करता था कि जब भी युद्ध की तैयारी होती थी, जब युद्ध शुरू होने वाला होता था, तो पहले घोषणा करते थे, यानी कि शंख नगाड़े डंग बजाकर, और इस तरह से यानी कि जो शत्रु हैं उनको सूचित करते थे कि अभी युद्ध हम करने वाले हैं। तो उनके युवृद्ध जो व्यक्ति थे, यानी कि पितामह भीष्म, तो उन्होंने सबसे पहले अपना शंख बजाया, तो जिसे क्या है कि दुर्योधन को हर्ष हुआ। दुर्योधन बहुत खुश हुए जब पितामह भीष्म ने शंख बजाया। इसकी खुशी की क्या कारण था कि दुर्योधन बहुत खुश हुए? इसका कारण यह था कि पितामह भीष्म जो कौरवों की ओर से लड़ रहा था, यानी कि कौरवों की सेना में था और पांडवों के अगेंस्ट लड़ रहा था, तो दुर्योधन जानते थे कि पितामह भीष्म जो हैं वो हितैषी हैं पांडवों के। हितैषी होने के बाद भी, उनका भला चाहने के बाद भी हमारी सेना में हैं और उनको मारने के लिए तैयार हैं। जब उन्होंने शंख बजाया तो बहुत खुश हुआ इस बात को देखकर। श्लोक नंबर 13।
तथा शंकाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवत्। इसका अर्थ है तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तो जब पहला शंख भीष्म पितामह ने बजाया, इसके साथ जो दूसरी सेना में दूसरे राजा थे उन्होंने भी अपने अपने शंख लाए थे और जो नगाड़े थे, जो कि एक नियम हुआ करता है, नगाड़े शंख और बहुत प्रकार के जो स्वर थे उन्होंने युद्ध की गर्जना के लिए, युद्ध की घोषणा के लिए उन्होंने ये सारे स्वर बजाए ताकि शत्रुओं को पता पड़े कि हम बिल्कुल तैयार हैं। और आगे बता रहे कि वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था, यानी कि बहुत हम कह सकते कि डरावना था वो। आप सोचिए कि 18 अक्षौणी सेना है दोनों तरफ, तो 11 अक्षौणी सेना जो है कौरवों की तरफ है और 7 अक्षौणी सेना पांडवों की तरफ है, तो 11 अक्षौणी सेना के कितने ढेर सारे लोग हैं और कितने सारे राजा हैं। उन्होंने जो जब नगाड़े बजाए तो पूरा आसमान गर्ज उठा, इतना मतलब कि वो साउंड हुआ उसका। श्लोक नंबर 14। तथा श्वेतेर हयेर युक्ते महति स्यंदने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतुहु। इसका अर्थ है दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो दूसरी तरफ यानी कि पांडवों की सेना में जो श्वेत घोड़ों पर आसीन भगवान कृष्ण और अर्जुन जो उनके घोड़े थे वो श्वेत यानी के वाइट कलर के थे, तो उन घोड़ों पर आसीन उस रथ पर आसीन यानी बैठने वाले उन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए। श्लोक नंबर 15। पांच जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। इसका अर्थ है भगवान कृष्ण ने अपना पांच जन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदंत शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तो ये कुछ शंखों के नाम हैं जो भगवान कृष्ण ने जो शंख बजाया था वो पांच जन्य शंख था, यानी कि उनके पांच मुंह थे। आमतौर पर जो शंख होते हैं हम मंदिर में बजाते हैं उनका केवल एक ही मुंह होता है जहाँ से साउंड उसकी निकलती है, परंतु भगवान कृष्ण के पास जो शंख है वो पांच जन्य है, यानी कि पांच मुंह हैं जहाँ से पांच ओर से उसकी आवाज़ निकलती है। इसी तरह से अर्जुन के पास जो शंख था वो देवदत्त नाम का था, और फिर दूसरा है कि भीम उन्होंने पौंड्र नामक शंख बजाया। तो इन्होंने अभी अपना अपना शंख बजाया, यानी कि इस पांच श्लोक में हमें पता पड़ता है कि अभी युद्ध की शुरुआत हो गई है, अभी यानी कि युद्ध की घोषणा उन्होंने कर दी है ताकि अभी दोनों तरफ से उनको पता पड़ गया है कि अभी हम तैयारी करें बिल्कुल अभी, क्योंकि उन्होंने भी शंख अपनी बजा दी हैं और इस तरफ से भी शंख बजा दिए गए हैं, अभी दोनों को भी युद्ध की तैयारी करनी है और अभी युद्ध उनको लड़ना है, तो दोनों तरफ से अभी युद्ध की तैयारी कम्प्लीटली हो चुकी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पाँच श्लोक बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर इस विषय में या किसी प्रकार के आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए,
और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस टीम का हिस्सा बनकर हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।